अस्सलाम वालेकुम छात्रों, कक्षा छठी विषय हिंदी, कविता क्रमांक दो, एक किरण। इस कविता के कवि हैं श्री प्रसाद। तो छात्रों चलिए हम कविता को पढ़ते हैं और हर पंक्ति को पढ़ते हुए, हर बंद को पढ़ते हुए मैं उसका उस बंद का उस पंक्ति का अर्थ भी आपको समझाते चलूं। तो कविता है, रेशम जैसी हस्ती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भर कर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं कि एक किरण जो है जब सूरज रात खत्म होने लगती है और सूरज जब निकलता है और थोड़ा सा सूरज जब आकाश में नभ में मतलब आकाश में ऊपर की तरफ आता है तो उसमें से बहुत सारी जो है किरणें निकलने लगती है, तो उसकी जो पहली किरण होती है वही काफ़ी होती है अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए। तो वो एक किरण जो है वो कैसी होती है, रेशम की जैसी होती है। रेशम मतलब रेशम का देखा है अपने धागा कितना कोमल और कितना सुंदर होता है, तो वैसे ही वो एक किरण जो है वो और बहुत ही पतला होता है, तो वैसे ही सूर्य सुबह की पहली किरण जो है वो रेशम की तरह होती है, बहुत ही पतली, बहुत ही कोमल और बहुत ही सुंदर। और जब वो आई, जब वो निकली तो आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। और वो किरण जब आई तो अपने साथ जो है वो आंचल भर के मतलब दामन भर के खुशियां लेके, मीठी मीठी खुशियां लेकर आई। लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। जब सुबह का सूरज निकलता है तो वो कैसा होता है, बहुत लाल होता है ना, तो वो थाली की तरह गोल और लाल रंग का जब सूरज पूर्व दिशा से निकलता है तो उससे निकलकर जो किरणें जब उससे निकलती हैं तो वो किरणें भी जो है वो सोने की तारों की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, और ये सारी किरणें जो है वो कहाँ फैल जाती है, धरती पर फैल जाती है। ठीक है, पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर जीव मुस्काई एक किरण। यहाँ पर सुबह का दृश्य जो है वो कवि जो है प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी इस कविता में। तो सुबह के वो समय जो है वो पत्तों पर फूलों पर जो है ये ओस, यानी उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, शबनम, तो ये ओस की बूंदे जो है वो पत्तों पर जो है वो पड़ी होती है। तो जब सूरज की किरणें उन ओस की बूंदों पर पड़ती है तो वो जो है वो झिलमिल झिलमिल तारों की तरह वो बूंदे क्या करते हैं, पत्तों पर चमकने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि किसी ने जो है वो दिया जला दिया है। सतरंगी उनकी उनमें जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकते हैं, ऐसा लगता है कि उनमें किसी ने दिया जला दिया है, और इस तरह से सूरज की किरणें क्या करती हैं, मुस्कुराने लगती है। एक किरण से बदल गया जग, चिड़ियां गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। मतलब यहाँ कवि कह रहा है कि मैंने आपको कहा था कि अंधेरे को चीरने के लिए पूरा सूरज एक साथ नहीं निकलता, सूरज जो है वो पहाड़ों के ओर से थोड़ा सा निकलता है, तो उसकी एक किरण ही काफी होती है अंधेरे को खत्म करने के लिए। तो उस एक किरण ने क्या किया है, बदल दिया, मतलब पूरा जग जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक किरण से जो है वो पूरा जग क्या हो गया है, जग यानी संसार दुनिया क्या हो गया है, बदल गया है। और जैसी ही वो एक किरण निकली और दुनिया बदली तो सब जो है वो चिड़ियां भी क्या कही, अपने घोंसले से निकल पड़ी और गीत गाते चली गई, चलने लगी, हवा चलने लगी, और पेड़ भी जो है वो हवा के साथ क्या लगे, हिलने लगे, डोलने लगे, सबको भाई एक किरण। इस तरह से ये जो एक किरण जो निकली थी वो सबको क्या करने लगी, मन को पसंद आने लगी, सबको भाने लगी। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। जब सूरज निकला
तो क्या हुआ, दिन आया, दिन मुस्कुराया, और दिन मुस्कुराया तो क्या हो गया, सारी संसार, सारी दुनिया क्या हो गई, जाग उठी, पेड़ पौधे परिंद पक्षी तितली फूल सभी क्या हो गए, तितलियां फूल पेड़ सभी संसार क्या हो गया, जाग गया है। क्यों? क्योंकि सुबह हुई है, नया नया मन ताज़ा जीवन, और एक नई सुबह जो है वो हर एक के जीवन में क्या होगी, नई ताज़ा जीवन लेकर आई है, और इस तरह से सब कुछ लाई एक किरण। तो ये सारा जो बदलाव है, ये पूरा बदलाव किसकी वजह से हुआ है, सूरज की एक किरण की वजह से हुआ है। तो छात्रों, आपको जो ये कविता है, ये कविता आपको अपने पुस्तक में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है, और अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आप जो है वो ड्राइंग भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी है ये कविता है। आप कविता जैसी ही कविता लिखी है वैसे ही आप जो है वो बंद लिखिए, और आसपास में जो है वो जो ये कला का नमूना दिखाया गया है, इस तरह से आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये आपका गृह कार्य भी हो जाता है कि आपको अपनी पुस्तक में कविता एक बार लिखना है, लेकिन सादी कविता ना लिखते हुए अगर आप ये दृश्य बनाते हैं अपनी कवि कॉपी में और कलर करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही इस कविता में कुछ विरुद्ध शब्द आए हैं जिनके विरुद्धार्थी शब्द भी हम देखते हैं, खुशी नाखुशी पूरब पश्चिम, मीठा मीठी कड़वी कुछ बहुत जीवन मृत्यु। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम जूम पे मिलेंगे बच्चे तो हम इसके कुछ संक्षेप में जो उत्तर हैं वो मैं आपको प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको बताऊंगी, और यहाँ पर जो पंचमाक्षर है उसके बारे में भी मैं आपको जूम लेक्चर में जानकारी दूंगी। अल्लाह हाफिज़।